गोरखपुर से पंकज जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी मैम, मुझे पूछना था, ये अभी जो लाइव चैनल चल रहा है साधना में, हाँ कि सब मुझे प्रॉब्लम है, जो बाल है ना मेरे बहुत झड़ रहे हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं आपके जी, एज क्या है आपकी? एज हमारी 20 इयर्स होगी, 20 साल। कमाल ही हो गया आज तो, सब बच्चे, सब यंगस्टर, उनको बालों की प्रॉब्लम है। और खैर कोई बात नहीं है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। और आपके बालों का जो मुहाफिज है, सुरक्षा कवच है, वो है एक गोंद, जिसे हम सफ़ेद गोंद मोरिंगा कहते हैं। आप समझ लीजिए, गोंद मोरिंगा लाल भी आता है, सफ़ेद गोंद मोरिंगा लेना है और 100-200 ग्राम खरीद लें और इसको पाउडर बनाएं। ये रॉ मटेरियल लेना है, पिसा पिसाया नहीं, और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, या आप रईस आदमी हैं तो नारियल पानी में मिलाकर एक बार पी लिया करें। आपके बाल ऐसे के संभाल लेना चाहें, मैं खुद भी लेता हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मेरे बाल खूब हैं, ओरिजिनल हैं। ऐसे आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं जी। दिल्ली से अगली कॉलर है शाहिदा, स्वागत है आपका जी। बताइए मैम, नदीम साहब से बात होनी थी, करनी थी मुझे। जी, मैं तो बात कर रहा हूँ शाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए, बताइए क्या सवाल है जी। भाईजान आप खैरियत से हैं? हाँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या सवाल है जी। बस आपसे दुआएं हैं सर, मुझे 2017 से मैं आपके यहाँ इलाज कर रही थी, मुझे ठीक हो गया था, इसमें पिंडली में नस ब्लॉक बताई थी। तो उसके बाद मुझे फिर अब ये दोबारा प्रॉब्लम पिंडली में नहीं है, अब कमर में हो गई है। तो मैं तुरंजान, शीरी, अजगन्ना, गोरी, हर, अलसी और कलौंजी वो जब से रेगुलर ले रही हूँ, मैंने बंद नहीं की है वो, मगर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है और आहिस्ता हल्की हल्की अब घुटनों में भी शुरू हो गई है जी। दूसरे मुझे अपने शौहर के लिए बात करनी थी, उन्हें इतनी जबरदस्त खांसी है, 6-7 महीने हो गए, सारे इलाज कर लिए मैंने, अब आपकी दवाई भी दे रही हूँ बना के, सबिस्तान, उन्नाव, अलसी और मोरिंगा का गोल वो भी देते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तो कोई फर्क है नहीं सर जी। उसमें मोरिंगा का गोंद नहीं मिलाना है, जो आपने उनके खांसी की दवा ली है उसमें मोरिंगा का गोंद नहीं मिलानी है। सपस्तान, उन्नाव, अलसी और ये पीपलें जो आपके किचन में हैं ये मिलाना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो आप नुस्खा ले रहे हैं, सुरंजान, शीरी, अजगर, नागोरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी, ये ले रहे हैं ना आप, ये सब 100-100 ग्राम और इसमें 150 ग्राम गोंद स्याह ले लीजिए, एक काला गोंद आता है। और अब इस नुस्खे से आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसमें काला गोंद मिला लें। अच्छा, ये गोंद नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, अब आपके इतने मज़े नहीं रहेंगे कि दवा ली और खा ली, बहुत कड़वा होता है, 150 ग्राम उसमें मिला लीजिए और फिर खाइए, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होने लगा, जैसे पहले ठीक हो गई थी फिर से भी आप ठीक हो सकती हैं। और अपने शौहर के लिए आप उन्हें माजून आर केयर खिलाएं, ये वक्त बहुत बुरा चल रहा है, इस वक्त हमें बहुत खांसी वालों को, नज़ले वालों को, छींकों वालों को, बलगम वालों को अपना बहुत तहफ़ुज़ यानी अपना सुरक्षा करनी चाहिए। माजून आर केयर सुबह शाम 1 चम्मच गर्म पानी से खिलाएं और गर्म पानी 5 बार आप भी पी लिया करें, ये नुस्खा लेंगे तो आप दोनों को फायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर राजस्थान से कुलदीप जी, स्वागत है आपका जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं मेरे वजन को कम करने के लिए पूछना चाहता हूँ, एज क्या है और वजन कितना है? ये 21 ईयर है। ठीक है, और वजन कितना है? वजन है 87। हाँ देखिए जी, एक तो खाना कम कर दीजिए, जितने खुराक है उससे आधा कर दीजिए जी सर। और बेटा 1 घंटा धूप में पैदल चलें, मैं आज तक चलता हूँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मैं रोज़ चलता हूँ,
तो आप तो यंग आदमी है, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि 15-15 मिनट करके चलिए। मैं लगातार चलता हूँ, कभी हिम्मत नहीं होती तो आधा आधा घंटा करके चलता हूँ, इससे भी वज़न कम होता है। और मैं चाहूँगा आप दवा ना लें, लेकिन दवा बताऊँगा ज़रूर आपको। गर्म पानी पिया करें, कई बार 5 बार मैं पीता हूँ, 5 बार आप पीने लगिए, इससे बहुत, ये सुरक्षा कवच है हमारे, चर्बी से सुरक्षा कवच और बीमारियों का सुरक्षा कवच। ये पहले लोग इसको इस्तेमाल करते थे, अभी बच्चे भूल गए, और मेरा काम है बच्चों को याद दिलाना। एक आता है जैतून का नमक, एक सॉल्ट है जो देखने में सॉल्ट है, और नमक जैतून हम आसान लैंग्वेज में कहते हैं, भाषा में, और ये देखने में नमक जैसा लेकिन नमकीन नहीं होता। ये 100-200 ग्राम खरीद लें, और देखिए ये एक चुटकी में, 2 चुटकी में जितना आए एक गिलास गर्म पानी में डाल के पी लिया करिए, दिन में 1 बार या 2 बार। आपका शरीर जैसा आप चाहते हैं उतना दुबला हो सकता है, लेकिन सारी बातों को फॉलो करें तो आपको फायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर मेरठ से हैं, शर्मानंद जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ सर जी, तेज आवाज में बात कीजिए, सवाल करिए। हाँ सर, मेरे कान में छेद हो गया है। कान में? हाँ छेद है, और दोनों कान भारी भारी रहते हैं, साफ सुनाई नहीं देता है जी। अच्छा देखिए, ये शर्मा साहब सर्जरी का केस है, अगर छेद हो गया है तो सर्जरी कराएं, कान के ENT को दिखाएं किसी बहुत अच्छे ईमानदार आदमी को, और उससे मशवरा लें। हम इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। चलिए, तो फरीदाबाद से अगले कॉलर हैं, धीर सिंह जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी यादव। सर मैं पिछले 15 साल से पेट के दर्द से परेशान हूँ। 15 साल से? जी सर, और मैंने आपके पिछले महीने प्रियंका मैडम 16-16-0-2 से मैडम ऑर्डर करके आपके उससे दवाई मंगाई थी, 1 महीने से खा रहा हूँ। और हकीम साहब बताते हैं कि गोंद मोरिंगा और लें, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होगा? और वो कहते हैं, मैंने उनसे बात भी करी थी प्रजाप चंद और प्रियंका मैडम से, तो वो कहते हैं कि मोस्टली बताते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उसको भी साथ में ले लूँ? 1 महीने से ले रहा हूँ आपके कैप्सूल, तो मुझे पूर्ण रूप से कुछ 2-5-7% लगने लगा है कुछ दर्द में, पर मैं हकीम साहब से रूबरू होना चाहता हूँ प्लीज। पेट में दर्द है? पेट में या पीठ में? नहीं, पीठ में, सेंटर में ऐसे होता है जैसे सांप लहराता है ना, सांप मार दिया जाता है उसको, ऐसे लहर सी चलती है, और बहुत परेशान, बहुत परेशान। कौन सी दवा ले रहे हैं बेटा आप? कैप्सूल भेजे हैं मैंने सर जी, उन्होंने कैप्सूल जो लाल कलर के हैं 45 कैप्सूल भेजे हैं, दूसरी बार मंगाए हैं। कैप्सूल टी केयर है क्या? हाँ जी। ठीक है, जब बेटा फायदा शुरू हो गया आप फिक्र ना करें, एक बस काम करें कि अगर वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं हो तो वो कर लें। पीठ के दर्द वालों को, घुटनों के दर्द वालों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट या कुर्सी वाला ज़रूर होना चाहिए, और किसी को तो 1 ही महीने में फ़ायदा हो जाता है। आप ये पूरा करें और फिर खाएं, पूरा फ़ायदा भी हो जाए तो 3-4 महीने खाएं, ताकि जीवन में ये बीमारी दोबारा ना लौट सके। आप फिक्र ना करें, फ़ायदा शुरू हो चुका है और ये अच्छा इलाज माना जाता है, आप इसे करें, भगवान पर उसे मदद भी मांगे और इलाज भी करें। मैं भी दुआ करूंगा कि आपको जल्दी फायदा हो जाए जी। दिल्ली से अगली कॉलर है शांता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दोनों पैर है ना, वो मतलब ये सुन्न है नीचे, मतलब तलवे जो उनके है ना सुन्न है, और दर्द रहती है पंजों में। ठीक है, आपकी एज क्या है? मेरी उम्र 80 है। 80 जी। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखा करिए अपना, और ये जो निशानी है सुन होना या दर्द होना या खिंचाव होना या जलन होना, ये 4 चीज़ें एक ही बीमारी का मतलब होती है कि हमारी कमर में नसें दबी हुई हैं जो खून सप्लाई के लिए पैरों तक जाती हैं। आपको चाहिए कि
बहुत मेहनत छोड़ दें और ज़मीन में वाले जो टॉयलेट होते हैं ना, ज़मीन में बैठने वाले, उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी ना करें। अगर ये ऐसा कुर्सी वाला आपका बाथरूम है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसे इंतज़ाम करिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं, या गौंद स्याह मिल जाए, रॉ मटेरियल मिलता है, ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से, या शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। और देखिए एक महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आपको 3-4 महीने इलाज करना है ताकि हमारा बाकी जीवन सेहत के साथ गुजर सके। बिल्कुल, तो देखिए आपका आने वाला जीवन सेहत के साथ गुजर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नुस्खे अपनाने होंगे। नुस्खे अपना लीजिएगा, बहुत आपको आराम मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है नुस्खों में अपनाने में, या फिर आपको जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जब किसी भी व्यक्ति को कोई रोग होता है, चाहे वो कम उम्र का हो व्यक्ति या फिर बड़े उम्र का, तो कोई भी रोग अपना लक्षण पहले से ही दिखाता है। व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे करके एक इलाज पे तो वो शुरू हो जाता है, चाहे वो गर्म दवाइयां ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका जो रोग है वो भी बढ़ता चला जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उसका रोग लाइलाज उसको लगने लगता है। अगर हम पहले से ही यूनानी से जुड़ जाएं, आयुर्वेद से जुड़ जाएं, या फिर घरेलू नुस्खे अपना लें, तो एक आने वाली उम्र के लिए हम सलामत रह सकते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी रोग जी घातक नहीं होता, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो, या उससे भी बड़ा कोई रोग हो। घातक जब भी होता है जब उसके इलाज में देर हो जाती जी। है पहली स्टेज, दूसरी स्टेज पर सब दवाइयाँ बहुत जल्दी काम करती हैं, और वो रोग जब हमें अंदर से इतना कमज़ोर कर चुका होता है तब हम सही इलाज की तरफ जाते हैं। तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक ना हो सके यूनानी के तरीका इलाज से, लेकिन हम पहली दूसरी स्टेज में अगर इस रोग का इलाज करें तो कोई भी रोग आपका घातक हो सकता है, चाहे बुखार हो, चाहे इन्फेक्शन हो, अगर आप उसने अपनी थर्ड स्टेज पार कर ली तो याद रखें कि अव्वल वक्त में इलाज कराएं और फ़ायदा उठा सकते हैं आप। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं, शिमला से श्वेता हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो श्वेता। Hello. जी हाँ जी हाँ जी, मैं, मेरी 30 है। ठीक है, मुझे किसकी प्रॉब्लम है? सीओडी की। पीसीओडी? आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अच्छा देखिए, एक इलाज है आपका, बहुत आसान भी है। देखिए, ये किचन में आपके जो कलौंजी होती है, इसका नमक आता है जिसे रसायन भी कहते हैं। कलौंजी काली होती है लेकिन ये रसायन सफ़ेद होता है और नमक जैसा होता है, इसे इसलिए नमक कलौंजी भी कहा जाता है। नमक कलौंजी, कलौंजी का रसायन भी कहा जाता है, और एस्टेक कलौंजी भी इसे कह सकते हैं। ये आप 2 चुटकी रोज़ाना, 100-200 ग्राम ख़रीद लें, 2 चुटकी रोज़ाना 1 गिलास पानी में मिलाकर, गर्म पानी में मिलाकर पी लिया करें एक बार। वैसे तो एक ही बार में फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम खाने के बाद लेना बेहतर है जी। नेक्स्ट कॉलर झारखंड से हैं, जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए, सवाल करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोल रहे हैं झारखंड खूंटी से। ठीक है, हमको पेट का प्रॉब्लम है, पेट बड़ा है, हाथ पैर सब ठीक है, पतला पतला है लेकिन पेट बड़ा है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 56 साल है। आपको पेट में कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
मैं तकलीफ तो नहीं है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। डायबिटीज है क्या आपको? नहीं डायबिटीज तो नहीं है। कभी चेक कराई है? हाँ डायबिटीज चेक कराए हैं, एकदम नॉर्मल है। बहुत अच्छा। डायबिटीज नॉर्मल है। बहुत अच्छा। अगर आप मेहनत करें कुछ तो बगैर दवा के भी आपको फ़ायदा हो सकता है। रोज़ाना एक घंटा कम से कम पैदल चला करें धूप में, 5 बार गर्म पानी पिया करें, और जो खुराक है आपकी, अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करिए एक वक्त में, ठीक है। इससे भी 2-3 किलो वज़न कम होता है। खूब गर्म पानी 5 बार पिया करें। और नुस्खा भी बता देता हूँ, नमक जैतून आता है, जैतून का रसायन, ये आप खरीद लें 100-200 ग्राम, और 2 चुटकी गर्म पानी मिला के रोज़ाना सुबह और शाम पिया करें। और पैदल चलना भी ज़रूरी है, और ऐसी चीज़ें खाने से भी परहेज़ करना जो वज़न बढ़ाती हैं, जैसे आलू चावल, इनसे भी परहेज़ करें तो आपका पेट कम होना मुमकिन है।